नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। सांसद की तरह विधायकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोद लिया। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उसे मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे विधायक। प्रदेश सरकार की ओर से सभी विधायकों को इस ओर कदम उठाने के लिए कहा गया। प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सभी 90 विधायकों को पत्र जारी कर दिया गया। इसके तहत उन्हें एक एक गाँव गोद लेने को कहा गया। विभाग की ओर से सभी विधायकों को एक एक गाँव का नाम चयन करके भेजने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के महोबा जिले के चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव गोद लिया जिसका नाम गैरारी है। मेरा नाम ब्रजभूषण राजपूत है, मैं चरखारी से विधायक हूं, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच में उन्होंने बयान दिया था कि हमारे सांसद और विधायक अगर एक एक गांव को अगर गोद ले लें तो किसी जरूरत नहीं जी, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हमने उनकी बात का अच्छा सा पालन किया और अपनी विधानसभा का जो सबसे पिछड़ा गांव था, एक बड़ी आबादी का गांव था, उस गांव को, गौरारी गांव को गोद लिया, उसमें काम किया है। और आज गौरारी गांव जो है बुंदेलखंड का सबसे मॉडल गांव, हाईटेक गांव में गिना जाता है। सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। योगी जी की प्रशंसा आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हो रही है। और जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए गए हैं, उसकी सराहना प्रशंसा हर व्यक्ति कर रहा है। और आने वाले कल में फिर से जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आपके द्वारा जो इस गांव को गोद लिया गया, उसके आपके कामकाज से कितना खुश हैं लोग? देखिए, ये तो बात आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। और मुझे जो प्यार मिल रहा है वहाँ पे जाकर, उससे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार गौरारी गांव में इतना काम हुआ। 1,60,00,000 रुपए किसी विधायक ने शायद कभी किसी गांव में खर्च किए होंगे। जिस तरीके से गांव की कायाकल्प हुई है, इस तरीके की कायाकल्प तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एक अलग तरीके से हटके गांव में काम किया है, गांव की जनता मुझे चाहती है और मुझे आगे फिर से सेवा करने का मौका भी देगी।